नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक नैर आप सभी का स्वागत करता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एपिसोड 6 है और आज हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। जो हमने पिछली क्लास में निकाली थी लेंथ ऑफ एक्सिस यानी एक्सों की लंबाइयां, जो R1 व R2 के मान निकाले थे, ये अभी तक पढ़ा है कल वाला। देख लीजिए क्या निकाले थे हमने। R1 व R2 के मान निकाले थे हमने। ये R1 का मान था जो हमारी थी दीर्घ अक्ष और R2 था वो हमारा लघु अक्ष, यही तो हमने निकाले थे। ये है अर्ध दीर्घ अक्ष। R1 क्या है? अर्ध दीर्घ अक्ष है, यानी हाफ है, पूरी टोटल लंबाई नहीं है, टोटल लेंथ नहीं है। जब इसे हम 2R1 करते हैं तो ये पूरी हो जाती है और 2R2 करेंगे तो ये लघु अक्ष हो जाएगी। अब आप जानते हैं R1 ग्रेटर देन क्या होती है? R2, तो ये होती है लेंथ ऑफ एक्सिस। अब हम जब एनसेंट्रिसिटी निकालेंगे, उत्केंद्रता निकालेंगे, वो उसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, E = C/A। सी का मान हम फोकस वाला निकालेंगे और ए हमारे पास क्या होगा? R1, क्योंकि ए का अर्थ होता है दीर्घ अक्ष, तो ये मान हम रखेंगे तो उत्केंद्रता आएगी। उससे पहले मैं आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्षों के समीकरण क्या होंगे वो निकालते हैं। चलिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस नेक्स्ट टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्षों का समीकरण। इक्वेशन ऑफ एक्सिस या अक्षों का समीकरण क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब हमने जो सर्कल था हमारे पास और जो कॉनिक था, जब वो एक दूसरे को काट रहे थे, जब हमारे पास एक इक्वेशन क्या बना था, वो हमने निकाला था A-1/R² × X² + 2HXY + B - 1/R² × Y² = 0। ये इक्वेशन हमने निकाला था या नहीं निकाला था? ये इक्वेशन हमने शुरुआत में ही निकाला था कि जब ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं जिन पॉइंट से, और जो निकलने वाले व्यास होते हैं वो समान झुकाव पर होते हैं, ये चीजें भी हम पढ़ चुके थे। हमारे पास ये इक्वेशन थी A² + 2HXY + B² + 2GX + 2FY + constant = 1। एक इक्वेशन थी सर्कल वाली X² + Y² = R². जब इन दोनों से हमने इक्वेशन निकाली तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब देखिए, हमें लेंथ ऑफ एक्सिस निकाल ली हमने, अब निकालना है हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस यानी अक्षों का जो समीकरण क्या होगा वो अब हमें निकालना है। तो देखिए क्या क्या चीजें करते हैं अपन। हमने ये तो निकाल लिया A-1/R², साथ साथ ये फॉर्मूलेज आप रिपीट करते रहें ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं बार बार ये आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूँ, बार बार आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, ये मैंने फॉर्मूला निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ से अब मैं एक द्विघात इक्वेशन बनाऊंगा इससे, कि देखिए एक होल के रूप में टोटल फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पर होल में आने के लिए देखिए यहाँ पर अच का भी होना जरूरी है, तो हमें क्या करते हैं यहाँ पर, और आप जानते हैं S² = क्या था? AB था, और जहां पर S² = A-1/R² × B - 1/R², ऐसा हमने पढ़ा था। जो हमारी संपाती रेखाएं थी उन रेखाओं के लिए हमने ये पढ़ा था कि जो लाइन है, संपाती लाइंस होती हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला बैठता है, और मैंने चीजें बताई भी थी किस प्रकार हुआ था ये। अब देखिए, इस प्रकार हमें अगर होल के रूप में बढ़ाऊं तो मैं यहां पर मुझे A-1/R² की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो मैं दोनों यानी सभी ओर से यहां पर ये A-1/R² यानी इसकी मल्टीप्लाई करा देता हूं, कि मल्टीप्लाई कराने पर ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहां पर क्या होगा, A-1/R² की होल स्क्वायर हो जाएगा, X² + 2HXY, और यहां पर A-1/R² + A-1/R² B 1 - R² Y = में क्या है? 0 है, यही तो आएगा, यही तो आएगा। अब ये आएगा तो यहां पर देखिए ये क्या बन गया मेरा, H² हो गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं इसे, ये देखिए ये H² हो गया, और ये हमारा है इतना A-1/R² × में X करके मैं इसकी होल स्क्वायर कर सकता हूं क्या, प्लस
टू एच एक्स ए माइनस वन की होल स्क्वेयर, ठीक है, और इनटू में क्या है वाई प्लस एच स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल जीरो। अब देखिए क्या ये इक्वेशन होल इक्वेशन नहीं बन गई क्या इसकी, ए माइनस वन अपॉन आर स्क्वेयर एक्स और प्लस एच स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की होल इक्वेशन अगर खोलता हूं तो मेरे को यही प्राप्त होगी। अब देखिए मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ए माइनस वन अपॉन आर स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस एच वाई की होल स्क्वेयर इक्वल जीरो। क्या ये चीज समझे क्या, ऐसी तो इक्वेशन बनेगी मेरे पास। देखिए हम इसे खोलेंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वेयर वाला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, अगर खोलते हैं तो ए स्क्वेयर ये आ गया मेरे पास प्लस बी स्क्वेयर वाला ये आ गया और टू ए बी करेंगे तो टू एच एक्स ए माइनस वन अपॉन स्क्वेयर वाई वाला आ गया। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन गई, ये इक्वेशन मेरी हो गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्या अक्षों का समीकरण, अक्षों का समीकरण मेरे पास प्राप्त हो गया। हमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्षों का समीकरण निकालना, जब मैं आपको ट्रेसिंग करना समझाऊंगा, जब हमें जो हमारे कोनिक सेक्शन होंगे कोनिक का ट्रेसिंग करेंगे शंकु का अनुरेखण करेंगे तब आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जब आपको ट्रेसिंग करना सिखाऊंगा तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप इन क्लासेस को देखते रहिए, जितना भी आपको समझ में आता है। वैसे टॉपिक थोड़ा सा ये टिपिकल है कि आपको ये समझाने में दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जब हम इनका अनुरेखण करेंगे ट्रेसिंग करेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो आप तब तक इन वीडियोस को इन क्लासेस को अटेंड करते रहिए और लगातार पूरी देखिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जिन्हें भी इन क्लासेज की ज़रूरत है उन तक ये क्लासेज ज़रूर पहुँचाइएगा, हमारा इतना सपोर्ट कीजिए, बाकी सारा काम हम कर देंगे। अब देखिए ये मेरे पास इक्वेशन मिल गया, ठीक है, यही है लेंथ ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट आता है अब हमें इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। इसका फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा है, क्या होता है ई अप बराबर सी अपॉन ए, ई को ही तो कहते हैं इंसेंट्रिसिटी, यहीं से तो ई आया है ये उत्केंद्रता वाला। अब देखिए ई बराबर सी अपॉन ए ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए आर वन का मान मैंने निकाला, आर टू का मान मैंने निकाला, का वैल्यू निकाली है ना, अभी निकाली है मैंने आर वन और आर टू की लेंथ ऑफ एक्सिस, यानी ये अर्ध दीर्घ अक्ष है और ये अर्ध लघु अक्ष है, यानी छोटी वाली जो हमारे पास, जो कोई भी हमारे पास कोनिक होता है या शंकु होता है, चाहे दीर्घवृत्त मान लीजिए, उसमें दो एक्सिस होती हैं, एक तो जो इसकी लेंथ ज़्यादा होती है और एक जिसकी लेंथ स्मॉल होती है, यानी आर वन क्या होता है उसमें हमेशा ग्रेटर होता है। लेकिन अब देखिए यदि आर वन व आर टू दोनों ही दोस्तों क्या हो पॉजिटिव हो, अब आप बताइए मुझे ऐसा कौन सा कोनिक होता है, ऐसा कौन सा हमारे पास सर्कल दीर्घवृत्त जो इलिप्स है पैराबोला हाइपरबोला, इनमें से कौन सा ऐसी शेप होती है जिसमें आर वन व आर टू पॉजिटिव होते हैं, आप बताइए मुझे आर वन व आर टू पॉजिटिव किस में होते हैं, आप बता देंगे कि इलिप्स में होते हैं भैया, इलिप्स है, ये लीजिए इलिप्स, इलिप्स में क्या है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त में क्या होते हैं आर वन व आर टू हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब आर वन व आर टू पॉजिटिव होंगे तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है जो सी होता है हमारे पास, सी बराबर क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जब हम दीर्घवृत्त इलिप्स के बारे में चर्चाएं करते हैं तो हमारे पास जो सी होता है और जो दीर्घवृत्त हमने बनाया है वहां पर जो दीर्घ अक्ष होती है और लघु अक्ष होती है उनके बीच में ये फॉर्मूला सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ए क्या है यहाँ पर अर्ध दीर्घ अक्ष और यहाँ पर ये मान क्या लिखे हैं हमने आर वन व आर टू, तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर का अंडर रूट सी बराबर हो गया। अब जो उत्केंद्रता का फॉर्मूले से क्या करते हैं हम ई बराबर सी का मान क्या है मेरे पास अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा आर वन, क्योंकि ए है अपॉन में और ए ही यहाँ पर ये हो गया, तो इस हिसाब से मेरा क्या बन जाएगा जहाँ पर दोनों धनात्मक होते हैं दोनों पॉजिटिव हैं, अगर पॉजिटिव होते हैं तो इस स्थिति में
वो इलिप्स बनता है। यहां पर देखिए, सॉरी सॉरी, ये माइनस होगा दोस्तों, हाँ माइनस होगा, सॉरी सॉरी दोस्तों, तो ये माइनस होगा, नेगेटिव चिन्ह होगा, सॉरी दोस्तों, हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला। तो देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा फिर, मेरा ई बराबर वन, अंदर जाएगा तो वन माइनस आर टू स्क्वेयर अपॉन आर वन स्क्वेयर, ये मेरा ई का मान आ गया। पॉजिटिव होता है दोस्तों, दोनों पॉजिटिव है, अब देखिए दोनों पॉजिटिव होंगे, इधर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, सॉरी दोस्तों ये गलती से हो गया। देखिए आर वन माइनस से आर टू क्या होगा, सी के बराबर होगा, लेकिन जब ये पॉजिटिव किसमें होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाला, वो होता है हमारा हाइपरबोला अति परवलय में। देखिए इसके बारे में और कंडीशन पढ़ते हैं अपन। जब देखिए आर वन व आर टू है, दोनों में से एक धनात्मक हो, दोनों में से एक दो हो पॉजिटिव, व सेकंड क्या हो, नेगेटिव हो, एक तो होनी चाहिए पॉजिटिव और सेकंड क्या है, नेगेटिव है, तो इसके लिए, और ये तो आपको पता ही है आर वन ग्रेटर देन आर टू होगा, तो इसके लिए सी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसके लिए होता है, और ये बनता है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला इसे कहते हैं अति परवलय, क्या कहते हैं, अति परवलय हाइपरबोला। अब देखिए इसके लिए भी यही मान होगा, सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहां पर भी आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर होगा। अब देखिए ई बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, ई बराबर सी अपॉन ए, ई बराबर सी का मान क्या हो गया मेरे पास, अंडर रूट आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर, और अपॉन में ए है तो आर वन। अब देखिए इस प्रकार इसे हल करते हैं अपन, सोल्व करेंगे तो ई बराबर मेरा क्या वैल्यू आ जाएगी, वन प्लस आर टू स्क्वेयर अपॉन आर वन स्क्वेयर, ये मेरा ई का मान आ गया, इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता का फॉर्मूला आ गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक दोस्तों, हमने सबसे पहले एक इक्वेशन निकाला, जब हमने दोनों को, सर्किल था मेरे पास की कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, सैकेंद्रित वृत्त है, जब एक कोनिक को प्रतिच्छेद करता है या काटता है, तो वहां से जो इक्वेशन मिला था मेरा वो हमने निकाला। फिर हमने निकाली लेंथ ऑफ एक्सिस, अक्षों की लंबाइयां, जो आर वन व आर टू के मान है, ये क्या थी मेरी, अर्ध दीर्घ अक्ष, और ये है अर्ध लघु अक्ष। जब इसे मैंने दो से मल्टीप्लाई किया तो ये होगी मेरी पूरी, ये होगी दीर्घ अक्ष और ये होगी लघु अक्ष, लेकिन दो हटाया तो अर्ध दीर्घ अक्ष होगी। इसके बाद मैंने पढ़ा सेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता के फॉर्मूले निकाले दीर्घवृत्त के लिए, मैंने वन आर टू स्क्वेयर अपॉन आर वन स्क्वेयर अंडर रूट ये निकाला, और पॉजिटिव के लिए यदि ये दोनों में से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, जब हाइपरबोला बना तो मेरा ये फॉर्मूला आया। तो हमने इतना अब तक पढ़ लिया है, अगर इतने में कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर दोस्तों दिक्कत लगती है तो पूछिएगा जरूर, ताकि आपकी मैं दिक्कतें कम कर सकूं। आगे क्या है मेरा, लेंथ ऑफ ऑफ द लैटिस रेक्टम, यानी नाभि लंब की लंबाई, नेक्स्ट है मेरा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई। हमने देखिए जब हम नाभिलंब की लंबाई निकालते हैं, दीर्घवृत्त हो चाहे इलिप्स, हाइपरबोला कोई सा भी हो, जहां पर निकालते हैं तो मेरे पास एक फॉर्मूला आता है क्या, कि जो नाभिलंब की लंबाई होती है वो टू बी स्क्वेयर अपॉन ए होती है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए टू बी स्क्वेयर अपॉन ए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है बहुत बार, आप देख लेना जब आपके पास इलेवंथ की बुक है, तो वहां पर भी आप इसे सोल्व करके देखिए, दीर्घवृत्त के बारे में पूरा पढ़िए, तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, हाइपरबोला के बारे में पूरा पढ़िए। अब यहां पर इतना तो हम नहीं पढ़ सकते कि वास्तव में क्या क्या चीजें क्या होती है, लेकिन मैंने जब कोनिक के बारे में बताया था, कोनिक सेक्शन के बारे में बताया, तो हर चीज थोड़ी थोड़ी मैंने रिपीट की थी, तो यानी दूसरा एपिसोड है या पहला एपिसोड, उसमें आप देख लीजिएगा। देखिए ये चीजें मैंने बताई थी, और आप बुक भी साथ में रखिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती रहें। तो टू बी स्क्वेयर अपॉन ए, लेकिन यहां पर बी क्या है, लघु अक्ष है, और ये क्या है, अर्ध दीर्घ अक्ष है। तो देखिए टू बी स्क्वेयर बी की जगह क्या मान था मेरा, टू
आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन, यही तो होगा। आर टू बी की जगह आर टू, टू आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी, नाभिलंब या यूं कहें लेटेस्ट इंग्लिश में कह दीजिए, कोई बात नहीं, कई विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है हिंदी में, इस वजह से थोड़ा सा इंग्लिश में भी सुन लीजिए, टू आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन, ये आ गई मेरी नाभिलंब की लंबाई, लेटेस्ट रेक्टम ये मेरे पास प्राप्त हो गई। अब देखिए ये चीजें हमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे, तब हमें बहुत ज्यादा उपयोगी होंगी, तब मैं तभी ये फॉर्मूले बता रहा हूं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट बारीकी से जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना, बारीकी से जाओगे तो फंस जाओगे, तो हमें ये चीजें याद रहनी चाहिए, और फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो यानी इसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, इसलिए आप ये बार बार पढ़ते रहें, फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नाभिलंब की लंबाई टू बी स्क्वेयर अपॉन ए, यानी ये क्या गया टू आर टू स्क्वेयर अपॉन आर वन। थोड़ा सा एक चीज और रही है, लास्ट है आज का टॉपिक, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता का इक्वेशन ताना है। अब देखिए जब यदि केंद्र के निर्देशांक जो हमारा कोनिक है उसके निर्देशांक एच कोमा के हो, जब हमने इक्वेशन निकाली थी डायरेक्ट्रिक्स वाली, तो इसी प्रकार की आई थी, एक्स माइनस एच कोस थीटा प्लस वाई माइनस के साइन थीटा इक्वल होनी चाहिए, प्लस माइनस इक्वल होनी चाहिए किसके, आर वन स्क्वेयर माइनस आर वन स्क्वेयर माइनस आर टू स्क्वेयर अंडर रूट के। ये इक्वेशन मेरी है किसकी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नियता की। नियता का समीकरण हमें, मैंने बताया था आपको जब हमने पहले एपिसोड में भी, x माइनस एच कोस थीटा y माइनस के साइन थीटा, लेकिन यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा, आर वन स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट आर वन स्क्वेयर माइनस आर टू स्क्वेयर। तो ये है इक्वेशन, ये फॉर्मूले आपको जो भी मैंने बताए हैं आज, चाहे कोई सा भी हो, उत्केंद्रता इंसेंट्रिसिटी बताई, लेंथ ऑफ एक्सिस बताई, और फिर हमने जो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स पढ़ी, नियता की लंबाई। तो ये जो भी मैंने फॉर्मूलेज बताए हैं, जो भी मैंने इक्वेशंस बताई हैं, वो आपको याद रखनी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तब आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी जिम्मेवारी है आपको चीज़ें क्लियर कराना। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, ट्रेसिंग यानी किस प्रकार के स्टेप्स होंगे, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।